मैं कच्चा बनाना से आज केले से सब्जी बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने इस तरीके का बनाना को काट लिया है। इसमें पानी डाल के रखे हैं चूल्हे पे पकने के लिए। इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट और 1/2 टीस्पून हल्दी है, टर्मरिक पाउडर, इसको मैं डाल दूँगी। नींबू का कुछ बूंद डाल दूँगी और इसको 2-3 बॉयल आने तक पकाऊंगी मैं। बनाना की सब्ज़ी बॉयल होने लगी है, अब मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी। मैंने इसमें नींबू का रस डाला है इसीलिए कि ये ब्लैक नहीं हो बॉयल होने के बाद से। आप देख सकते हैं ब्लैक नहीं हुआ है। अब मैं फ्लेम को बंद करूंगी। मैंने 2 ऑनियन और 2 टोमेटो लिए हैं, इसको मैं ग्राइंड कर लूंगी। मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है, 1 कप है। इसमें मैं मेथी डाल दूंगी। अनियन को ग्राइंड करके रखा है मैंने, इसको मैं इसमें डाल दूंगी। मैं 1 बड़े चम्मच टेबल स्पून है भर के मैंने गार्लिक पेस्ट है, इसको मैं डालूंगी। ये धनिया पाउडर है 2 टेबल स्पून, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट है, इसको भी मैं इसमें डाल दूंगी। मसाले को मैं लो फ्लेम पे पकाऊंगी। मैंने 2 टोमेटो को ग्राइंड कर लिया है, इसको भी मैं इसमें डाल दूंगी। मैं ये सारे मसाले को लो फ्लेम पे पकाऊंगी जब तक कि तेल ना छोड़ दे और अच्छी खुशबू ना आने लगे। मसाले को हमने लो फ्लेम पे पकाया है, ये बहुत अच्छे से पक गया है, ऑयल भी छोड़ दिया है और बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें बनाना को जो बॉईल करके रखे हैं इसको हम इसमें डाल देंगे। इसका पानी छान लिए हैं। बनाना को मसाले के साथ मिक्स करेंगे, चला के पका लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी वाला बनाना करी बनेगा। आप लोग इस तरीके से ज़रूर बनाएं। पानी डाल देंगे।
में वन बॉल पानी डालेंगे और इसको फिर पकाएंगे हम। इसको ऐसे ही 5 मिनट तक रख देंगे मीडियम और लो फ्लेम पे पकने के लिए कवर करके। मैंने 5 मिनट तक लो फ्लेम पे बनाना करी को बना पका लिया है। अब मैं फ्लेम को बंद करूँगी और सर्व करूँगी। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है बनाना करी। आप लोग इस तरीके से ज़रूर बनाएं एक बार। ये बहुत टेस्टी वाला बनाना करी बन के तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार इसका करी बन के तैयार हुआ है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आप लोग इस तरीके से ज़रूर बनाएं।